Imagine. What can you discover in a cave? Teachings of Buddha. A gallery of paintings. An architectural wonder. In fact, all and your true self. The incredible heritage caves of Ajanta and Ellora. A new discovery every time you meet. Is everything okay? Okay. It's great. You're an uncle now. Say hello to your niece, Divya. That's great. But weren't you expecting later? I know. But she didn't want to wait, no? Now just come back soon. We miss you. I'll come back soon. Bye. Acha, but remember, the first gift has to be from you. Of course. And it will also be the most special. Hello? PNB Housing. Come in. Congratulations, ma'am. And congratulations on securing her future. Sorry? This is a gift from your brother. Hello? Ritvik? What's this? It's a first gift, Dee. Because she's special. Fixed deposit with high returns of up to 8.70%. No fear of Sensex going up or down. What better gift for that special one? Namaskar, Adab. I am Kumar Ranjit Chauhan and you are watching Umeed Ki Kiran Jashne Adab. इससे पहले कि ये जो 6, 7, 8 नवंबर है हम इसका सिलसिला शुरू हो और हम हमारे अजीज यतीन्द्र मोहन मिश्र साहब और हमारे दोस्त सब इसमें शामिल हो जाएं, कोशिश ये है कि आपको, आपने अभी ऐड देखा इनक्रेडिबल इंडिया, तो एक इनक्रेडिबल युगल से आपको मिलवाते हैं जिसकी सांगीतिक पहचान जो ये है कि पूरी दुनिया में बहरहाल वो अपनी अपनी म्यूजिक के हवाले से जाने जाते हैं, सोमजीत और सुरेंद्र। बॉम्बे मेरी जान, नमस्कार सर, बहुत बहुत आदाब। आप यतीन्द्र भाई को भी साथ में ले आए तो बात बने सब कुछ। नमस्कार यतीन्द्र भाई। अब ये देखिए, 2, 3, 4 में से 3 आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, चौथा स्क्रीन के पीछे रहेगा। तो सिलसिला यूं है कि जो ये मैंने अभी जिक्र किया सोमजीत और सुरेंद्र जी का, कि इनकी पहचान जो है शॉर्ट फॉर्म पीसेस में क्लासिकल हो या फिर सेमी क्लासिकल हो या फिर ठुमरी से लेकर के गजल, कोई भी ऐसी जॉनर नहीं रहा हो जिसको इन्होंने टच ना किया हो। पंडित अजय चक्रवर्ती से उस्ताद विलायत अली खान साहब तक दोनों ने अलग हुए। टैगोर एंड वी, टैगोर जब हम बात करते हैं तो यादव वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र आता है, यानी पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह मानना। और यही सिलसिला इनका भी है कि ये पूरे दुनिया को अपना कुटुंब मानते हैं, यानी परिवार मानते हैं। और इसी सिलसिले में जो है आज ये खूबसूरत जोड़ी जो है वो हमारे दरमियान है, जिस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि बॉम्बे मेरी जान मुंबई में है और प्लेबैक तक का हवाला, मतलब आप समझ रहे हैं कि एक जॉनर से चलते हैं दोस्तों और यहां से चल करके दूसरे उसको कवर करना, दूसरे छोर को, दूसरे एंड को, वो बहुत मुश्किल काम होता है बहरहाल इस संगीत की दुनिया में। लेकिन कोई ऐसा जॉनर नहीं है जो इनसे अछूता रहा हो, टच ना किया हो। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी तरह से एक अच्छा तारुफ कर सकूं, लेकिन इनका जो कद है उससे नीचे हो जाता है वो तारुफ जब हम बात करते हैं कि जो है इस सिलसिले को कैसे शुरू किया जाए। बहरहाल ये इनक्रेडिबल इंडिया है और हमारे यतीन्द्र मोहन मिश्र साहब, क्या क्या तारुफ करें इनका जानते हैं आप। पिछले हफ्ते आपसे नहीं रूबरू हो पाए थे तो उसके लिए माजरत मेरी तरफ से, और इन्होंने अपनी माजरत हम तक मुंतकिल कर दी थी, यानी एक्सटेंड कर दिया था तो और मैंने आप तक कर दी। तो नाजरीन जो आप लोग देख रहे हैं, ये सिलसिला यूं है कि यतीन्द्र भाई जो है
सिनेमा स्कॉलर, म्यूजिक स्कॉलर होने के साथ एक बहुत बेहतरीन कवि हैं, हिंदी कवि, और जो बहुत अलग अलग चीजें हैं, और वही होता है जो उस चीज को, कवि वही होता है जो हर पर्सपेक्टिव को सिर्फ एक नजरिया से देखता है, और वो सिर्फ उसका अपना नजरिया होता है कविता का। जब वो म्यूजिक को देखते हैं तो उसमें कविता होती है, जब वो सिनेमा को देखते हैं तो उसमें कविता होती है, लेकिन जब वो गुफ्तगू करते हैं तो पूरी की पूरी कविता होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, और अब मैं यतीन्द्र भाई से गुजारिश करूंगा कि जो है इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। शेर वेर सुनना हो तो मैं सुना दूंगा, लेकिन उस बाद में, पहले अभी जो है जो है यतीन्द्र भाई और हमारे जो आज के मेहमान हैं जिनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं, सोम्यजीत और सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आप सभी दोनों का दोस्तों कि आप लोग भी। और एक बात और कि ये 9:15 इस वक्त हो रहा है, ये 45 से 50 मिनट का सेशन है, आखिरी के 10 मिनट में हम सवाल लेंगे, तो अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो इस खास जोड़ी से, इस खास जो है कन्वर्सेशन में, तो आप जरूर पूछिएगा, यहाँ पूछिए, मैं वो सवाल वहां तक पहुंचा दूंगा। बहरहाल यतीन्द्र भाई और आप दोनों हमारे खास और खूबसूरत मेहमान, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत धन्यवाद जश्न अदब और कुंवर रंजीत भाई, और आप दोनों दोस्तों का बहुत खैर मकदम है, एहतराम है, सौरेंद्र और सौम्यजीत भाई बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद कि आपने, आपकी इतनी बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला और हमेशा ही मुझे मेरे कामों को सराहने वाले और मेरा साथ देने वाले आप लोगों से जश्न अदब के मंच पर। मैं श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम से निकलने के बाद, वैसे तो बहुत लोग जानते होंगे आपको, जो आज इनको सुन के जाएंगे वो जाकर के यूट्यूब पर सौरेंद्र और सौम्यजीत को जाकर के सर्च करें और उनके उनकी वर्सेटैलिटी से बिल्कुल जुड़ें, कितनी खूबसूरती से इन्होंने अपना एक नया जॉनर गढ़ा है। आपका दोनों का स्वागत है भाई। मैं आज का, मेरा इस कार्यक्रम का मकसद ये होता है कि एक बड़े कलाकार का, उसकी कला यात्रा और उसके प्रोफाइल को मैं ओपन करूं, लेकिन मैं खुद आज एक श्रोता के तौर पर बैठा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग गाएं और अपनी जर्नी खुद से डिस्कस करें, बीच बीच में मैं आता रहूंगा। आप दोनों में चाहूंगा कि जो मुंबई मेरी जान का कंसेप्ट है और किस तरीके से आपने उसको पॉपुलराइज किया है, कैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए हैं, और वो क्या कारण है कि जिनको आप छोटे सेगमेंट्स में कर करके और एक एक अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि इंडियन म्यूजिक को, इंडियन फोकलोर को, इंडियन ठुमरी को, सेमी क्लासिकल को, फिल्म को, सब अमलगमेट करते हुए आप उसको सेलिब्रेट कर सके। तो आपसे मुखातिब है सौम्यजीत दास और सौरेंद्र मलिक। यतीन्द्र भाई, पहले तो मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी आदेश हमेशा हमारे सराखों पर, तो आपने कहा और हमें ये मौका मिला आज। शुरुआत में ही अतीन भाई कुछ इशू हो गया जी, है तो जी, मुझे लग रहा है कि उनका कुछ हैंग हुआ है, मामला भी ठीक हो जाएगा जी। तो अगर आप श्रोताओं से एक मिनट के लिए इनके बारे में बात करें तो मैं इनसे पूछ लेता हूं। मैं बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगा कि सौरेंद्र मलिक और सौम्यजीत दास दो ऐसे दो मित्र हैं और भाइयों की तरह अपनी इन्होंने एक जोड़ी बनाई, UNI करके इनका एक बैंड है जिसमें ये फिल्म म्यूजिक को, क्लासिकल म्यूजिक को, मान लीजिए कि ये अगर गाना शुरू करते हैं तू जहां जहां चलेगा, हो सकता है आज ये गाएं, तो फिर वो नंदराग को भी बताएंगे, फिर उसमें वो अपना तमाम सारे इम्प्रोवाइजेशन करेंगे और उनकी लड़ियां, उनकी मेडले बनाते जाएंगे और बहुत सुंदर एनेक्डोटल कहानियों के साथ म्यूजिक लेकर के आते हैं। रविंद्र संगीत पर काम किया है, जैज पे काम किया है, फ्यूजन सॉन्ग पे काम किया है और बॉलीवुड को बहुत इन्होंने आगे किया है। कंटेम्प्रेरी बंगाली सॉन्ग्स, जो बंगाली लिरिक्स हैं, उनको लेकर के भी गाने में ये लोग बहुत ही बेहतर ढंग से, कामयाब ढंग से उभरते हैं। पिछले हफ्ते में नहीं आ पाया था एक कलाकार के साथ, तो इस हफ्ते आपको दो कलाकार मिल रहे हैं, पिछले का भी भरपाई कर रहे हैं हम लोग। लेकिन सच्चाई ये है कि कई दफा कार्यक्रम करने की बहुत ईमानदारी होती है रंजीत भाई की और मेरी, कलाकारों का समय मिल पाना भी मुश्किल होता है कि कहीं व्यस्त है, और सौरेंद्र और सौम्यजीत पिछले कई दिनों से इतनी अपनी रिकॉर्डिंग्स में
मुब्तिला थे कि बिल्कुल आखिरी मौके पर ये हो पाया कि नहीं भाई इस सैटरडे को हम लोग मौजूद हैं। तो आप इनसे जुड़िए, इनका संगीत सुनिए, इनकी कला को सराहिए। और सिर्फ ये कार्यक्रम इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये कल्चरल स्टडीज का भी मामला है कि जब आप पीछे के एपिसोड्स में जाएं, तो चाहे वो शास्त्रीय संगीत के किसी कलाकार को, चाहे वो बॉलीवुड के किसी कलाकार को, या फोक जॉनर के किसी कलाकार को अगर आप सुनते हैं, तो आप ये महसूस कर सकें कि वो लोग अपने ढंग से अपनी कला में कैसा इजाफा कर रहे हैं। मेरा काम सिर्फ दो कड़ियों को जोड़ देने का है। मैं संगीत की उतनी ही बात करता हूँ जितनी मेरी अपनी समझ है और जो मेरा अपना एक विवेक है। मैं उसमें कितना बस ये एक उम्मीद चाहता हूँ, जो उम्मीद की किरण का मामला है, कि खास करके नए और युवा लोग अगर इससे जुड़ते हैं तो इस कार्यक्रम को सिर्फ सराहने के साथ अपने अंदर वो एक कल्टिवेशन करें, अपने अंदर एक वो एक बात लाएं कि तमाम सारी कलाओं में, भारत में, दुनिया में जो हो रहा है वो कितनी साधना, कितनी धैर्य, कितने परिश्रम का मामला है। सिर्फ एक गाना जो 3 मिनट का सॉन्ग होता है, जिसको चाहे स्वामी जी दास गा के निकल जाएं, चाहे लता जी गा के निकल जाएं, उसके पीछे कितनी मेहनत है वो देखनी चाहिए। आप लोग आ गए, तब तक मैं बकबक कर रहा था अपने हिस्से की, अब आप शुरू करें। उम्मीद है हम मतलब थोड़ी देर पॉसिबल और दुख में रहेंगे। आव के जब तुम ओ साजना अंगना फूल खिलेंगे, बरसे का सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओ के जब तुम ओ साजना अंगना नैना तेरे कजरारे, नैनों पे हम दिलदारे, बाबा माँ गरे पामा सामा रे मामा पा, नैना तेरे कजरारे नैनों पे हम दिल हारे, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की ले मध्यम चले मुँह से कहे बरसे का सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। जाने क्या बात है नींद नहीं बड़ी लंबी रात, सारी रात मुझे किसने जगाया, जैसे कोई साया सारी रात मुझे किसने जगाया, जैसे कोई सपना।
जैसे कोई साया, कोई नहीं अपना, कोई मेरे साथ है, जाने क्या बात, जाने क्या बात है, नींद नहीं आ, बड़ी लंबी रात है। तो यतीन्द्र भाई, ये जो मतलब दो दो कॉम्पोजिशंस मतलब हमने अभी भी गाए, तो ये दोनों ही राग माझ खमाझ में है। और मतलब असल में आपको बताऊं कि हम दोनों क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के छात्र हैं और छात्र रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी। तो जब हम कॉलेज में थे, हम लोगों ने कलकत्ते की सेंट जेवियर्स कॉलेज में मतलब हमारी मुलाकात हुई, और वहां पे आपको मालूम है कि मतलब ये जो कॉलेज कॉम्पिटिशन्स मतलब हुआ करती है, तो वहां पे मतलब हमें परफॉर्म करने की मौका मिले, और हम लोगों ने तब देखा कि ये जो इतने सारे पॉपुलर म्यूजिक है जिन्हें सुन के मतलब लोग एकदम पागल सा बन जाता है, उनके पीछे की जो मेलेडी है उसमें हमारी राग संगीत की कितनी अहमियत है और मतलब कितना हाथ है। और वहीं से हमें ये मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ और लगा कि ये जो एक सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर मैं आपको माझ खमाझ की एक ठुमरी सुनाऊं तो शायद मतलब हमें श्रोता तो जरूर मिलेंगे, लेकिन मतलब इतने श्रोता नहीं मिलेंगे मतलब जितने शायद जाने क्या बात की मिले। तो तब से हमने शुरू किए, और मतलब शुरू में मतलब ये बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि कुछ तो लोग होते थे और वो कहते थे कि आपको क्या लगता है कि लता जी को ये हरकत नहीं आता था, आपको आता है, या फिर आपने तो सारे गाने जो है क्लासिकल बना दिए। तो मतलब वहां से लेके आज तो ऐसा एक दौर है कि हर कोई जो है वो एक मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, वो अपने आप की मतलब जो मौसिकी है वो भी ऐड कर रहा है, मतलब जब भी वो कोई भी कवर गाए। और ये जो एक मतलब प्रोग्राम हम करते हैं मतलब पूरे विश्व में, हमने देखे हैं कि लोगों ने मतलब इनको बड़ा ही मतलब हमें सराहा है और अप्रिशिएट किया है, और हमें भी लगता है कि ये कुछ नया है, ये कुछ अपना चीज है जो हम कर रहे हैं। अक्सर हम लोग ऐसे कहते हैं कि पॉपुलर म्यूजिक क्या है, मतलब हम लोग ये फिल्मी गाने या जो मतलब रेडियो में बजता है या फिल्मों में बजता है उसको कैटेगराइज करते हैं एज पॉपुलर म्यूजिक। लेकिन ये पॉपुलर म्यूजिक बनता कैसे है? एक खूबसूरत लिरिसिस्ट, एक खूबसूरत राग, एक खूबसूरत मेलोडी के मिलावट से, जो हमारे इंडियन म्यूजिक और अभी तौर पे इंडियन म्यूजिक तो है जो वर्ल्ड म्यूजिक का एक डिफरेंट इम्पैक्ट लेके एक साथ किया हुआ एक बुके ऑफ न्यूअर टाइम्स। तो ये पॉपुलर म्यूजिक का डेफिनेशन हम लोग मतलब एक्सप्लेन करना चाहें हमारे ऑडियंस के पास कि ये हमारे ट्रेडिशन में ही फंसा हुआ है। जो राग संगीत के ब्यूटी है उसको अगर ड्रेप किया जाए आज के साउंडस्केप में, प्रोबेबली उसी का प्रॉपर डेफिनेशन है एक मॉडर्न पॉपुलर म्यूजिक का। तो ये लड़ाई हम लोग मतलब एज स्टूडेंट्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक बचपन से हमारा शुरू हुआ कि एक्सप्लेनेशन क्या दे अपना म्यूजिक का। तो ऐसे करते करते ऐसा एक कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप किए जहाँ की हम लोग जो गाना लोगों को पसंद है उसका एक्सप्लेनेशन करने को चाह कि ये कहाँ से आया, इसका रूट्स कहाँ है। तो दैट वॉज द होल आइडिया। बहुत ही सुंदर है, और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने भी जब एक भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास पर किताब लिखी हम सफर, तो उसमें मैंने क्लासिकल म्यूजिक के, आपके पास है भी वो पुस्तक, क्लासिकल म्यूजिक के हिसाब से एनालिसिस किया, और मैं ये समझ पाया कि राग की छायाएं, राग की स्वर संगति, स्वरों का मिलाप और एक स्वर लगाव जो है उसके साथ कई बार एक ही गाने में कोई कण बदल गया, अंतरे में राग बदल गया। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मधुमती का है कि सलील चौधरी चढ़ गए पापी बिछुआ में राग बदल देते हैं, परकशन में बदल देते हैं चीजें, आपका नौशाद बदल देते हैं मैजू बावरा में। आपने मांझ खमांझ की बात की, पंडित रविशंकर का बहुत ज्यादा प्रिय राग था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अनुराधा में कैसे दिन बीते कैसे बीती रतियां पिया जाने ना, मुझे लगता है कि मांझ खमांझ का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। मैं चाहूंगा कि आप दो लाइन गा भी दे,
तो ये बहुत ये एक शिक्षित करने का भी मामला है मुझे लगता है, क्योंकि नई जनरेशन को ये लगता है कि जो मेलोडी हम सुन रहे हैं सिनेमा में वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो क्लासिकल है वो कोई पुरानी गए बीते दौर की चीज है, इसको छोड़ दो। उनको पता ही नहीं कि उसके उसी के बेस पे उसकी फंडामेंटल उसकी उसकी क्रेंथ पे जो है एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो ये एक बहुत तरीके से एक इनोवेटिव बात भी है कि हम अगर कोई चार गाने अगर मांझ खमांझ की मेडले सुन के कोई लड़का या लड़की मांझ खमांझ ओरिजिनल सीखने के लिए तैयार हो जाए तो इससे खूबसूरत कोई बात नहीं होगी। क्या बात है। और मतलब जैसा कि आपने कहा, हमने भी मतलब अभी हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि हम मेडलेस बना रहे हैं किसी एक एक रागों पर, और अभी तक हम मतलब हमने दो दो राग पर बनाया है। देखा दोनों रागों का मैंने देखा आपका जी, पहाड़ी और यमन कल्याण, और बस यही बात है कि राग माझ खमांझ जो है वो और मतलब उनका जो एक चलन है, और मतलब हम मानते हैं कि राग रागिनियां जो है वो एक मतलब इंसान की तरह होती है या होते हैं, उनके अपने मतलब कुछ स्पेशलिटीज होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसको ध्यान में रख के ये जो हमने मतलब जो मेलोडीज जो पॉपुलर होती है, तो इन्हीं सब को लेके हमारी जिंदगी है। और जैसे कि आपने कहा कि कैसे दिन बीते कैसे बीती रहती है, और ऐसे कई सारे गाने हैं कि जी जी देखिए अगर अगर माणिक राव वर्मा जी का ठुमरी आप ले तो जाग परी मैं तो पियाके रे जगाए सया, और यही मेलोडी अगर अरिजीत सिंह गाते हैं तो फिर ले आया मजबूर क्या कीजिए रास ना रहना दूर क्या कीजिए दिल कहरा उसे मुकम्मल कर दिया वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी परी मैं बहुत ही खूबसूरत। The best thing about our music coming together was that like we were amazed to meet each other, because when we were in college what we found that maybe he was singing a thumri and connecting it to a song which was very close to my heart, or I was explaining something that he was singing in the sketch maybe of a western music since I play a western instrument, and this coming together of so many different forms of music and at times exchanging poetries between us उसमें जो मजा मिला। और यू नो व्हाट लाइफ हैज गिवन अस सच अ ब्यूटीफुल पोएट्री, कि जैसे कि शुरू में मतलब ये बात हो रही थी कि कविता जो है वो सबसे खूबसूरत तो लिखती है जिंदगी, और मतलब मान लीजिए कि ये जो माणिक राव वर्मा जी ने गाया हुआ है ये ठुमरी है, और अरिजीत सिंह की ये जो कॉम्पोजिशन है, अब मालूम नहीं अरिजीत सिंह या प्रीतम ने मतलब वो ओरिजिनल सॉन्ग सुना भी होगा कि नहीं, क्योंकि इट्स नॉट कॉपी बट इट्स इन द सेम राग। अब ये दोनों कॉम्पोजिशन मतलब आके मिलते हैं हमारे दिलों में, एंड देयर द पोएट्री यू नो हैपेंस, और हमें लगता है कि हम मतलब बड़े ही खुशनसीब है कि हमें मतलब ये हासिल है कि यू नो वी काइंड ऑफ गेट टू सी थिंग्स कमिंग एंड मीटिंग ईच अदर, नो वन एल्स गेट्स टू सी दैट। और कोशिश करते हैं यतीन्द्र भाई कि हमारे ऑडियंस को कहने कि कोई भी म्यूजिक छोटा या बड़ा नहीं है, मतलब बीट अ वेस्टर्न म्यूजिक, बीट रॉक पॉप रॉक एंड रोल या फिर ठुमरी क्लासिकल म्यूजिक सादरा दादरा ध्रुपद कुछ भी हो, हर चीज का एक स्पेशल मायने होते हैं जिसमें से यू हैव टू डिराइव, बिकॉज लाइफ इज वेरी कलरफुल एंड इट इज ओनली ट्रू व्हेन यू गेट द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी थिंग्स टुगेदर देन यू बिकम हैप्पी, यू कैनॉट बी हैप्पी विद वन थिंग। और मेरे ख्याल से कि ये जो कुछ नाम है मतलब इनसे हम लोग
मतलब मैं तो बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ कि जो उच्चांग संगीत होता है, मतलब उच्च कोटि के संगीत, और फिर लघु संगीत होते हैं, मेरे ख्याल से सारे संगीत जो अपने आप में ही मतलब उच्च कोटि के, और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की एक मतलब बड़ी ही खूबी है कि क्लासिकल जो टर्म है, अब ये मिल मतलब ये क्लासिकल टर्म का जो मतलब होता है अंग्रेजी में, वो ये कि मतलब बहुत पुराना कुछ चीज जो अभी तक लेजिटिमेट है या अभी तक जो है, लेकिन हमारे क्लासिकल म्यूजिक में सिर्फ ये राग की जो अंदाज है यही मतलब पुराना है, लेकिन आज से 200 साल पहले ये राग मतलब जिन्होंने गाया था और आज ये राग जो गा रहे हैं, दोनों में मतलब बड़े ही अंतर है। इट्स अनलाइक क्लासिकल म्यूजिक की मोजार्ट जब भी बजे तो वो एक जैसी ही बजे, इट्स नॉट दैट। हमारे क्लासिकल म्यूजिक में हर शाम एक ही राग अलग अलग रूप में, यू नो, अलग अलग टेस्ट में, मतलब जैसे परफॉर्मर्स करते हैं, तो वो जो है मतलब मुझे लगता है कि हमारे इंडियन जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है और जो राग संगीत है, दैट्स द मोस्ट मॉडर्न थिंग। और यतेंद्र भाई, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स द ओनली फॉर्म ऑफ म्यूजिक जहां ऑन स्टेज एक परफॉर्मर एक कंपोजर भी है, क्योंकि वो स्टेज बैठ के कंपोज कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात। और तमाम सारे लोगों का, आप तमाम सारे लोगों के बारे में अगर ये देखें, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। कि चाहे वो नौशाद साहब हैं, रोशन साहब हैं, जो वो एक स्कूल ऑफ थॉट है, तो खुद बताते हैं अपनी बायोग्राफीज में, अपने इंटरव्यूज में बोलते हैं कि ये टुकड़ा फला दादरा से है, ये पला फलाने पूर्वी से है, ये कजरी से आया है, चैती से आया है। और एक दौर तक, अभी भी एक दौर तक, तो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के यहाँ ये सब बड़े कलाकार, पंडित शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित राम नारायण, रईस खां, वो जरीन दारूवाला, मतलब एक लंबी परंपरा है कि चित्रलेखा के गाने में जरीन साहब बजा रही हैं रोशन साहब के साथ। तो क्लासिकल के जो टुकड़े हैं और उसके जो एक इम्प्रोवाइजेशन है, उपज जो आप कहते हैं, वो उपज आपको 3 मिनट के गाने में, मुझे, मैं कभी कभी कहता हूँ, लोग मुझे उससे कई बार सहमत नहीं होते, कि 3 मिनट की जो एक राग दर्शना आपको केसर बाई केरकर करा देती है, वही 3 मिनट के कंपोजिशन में भी वो पूरी पूरी राग दर्शन हो जाती है। आप लता जी के गाए तमाम गाने उठा लें, रफी साहब के गाने उठा लें, आप कह नहीं सकते कि जो राग, जिस राग की आलापचारी पे वो गाना रचा गया है, वो कहीं से कमतर है। वो पॉपुलर है, वो इजी करके दिया गया है, उसमें तमाम सारे अमलगमेशन है, लेकिन गाना तो वही, वो 7 सुरों में और बस वैसे ही बना हुआ है। और मैं चाहूंगा कि आप अपने, आप, आपका एक प्रोजेक्ट अभी आगे आने वाला है, मैं उसको रिवील नहीं करूंगा क्योंकि आप काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उस पे उसके कुछ नुआंसेस, कुछ कुछ सुनाना चाहे या कोई कहानी अपनी जर्नी की बताना चाहे। हालांकि अभी तो हमें अभी तो मतलब आपसे शेयर करूं कि मतलब कोई भी संगीतकार के लिए या म्यूजिशियन के लिए या म्यूजिक के स्टूडेंट के लिए आशा भोसले जी के साथ काम करना एक कोई पुरस्कार के समान है। बिल्कुल। और हमें, हम जब मतलब और भी छोटे थे, तब हमें ये जो एक मतलब क्या कहूँ, ये जो मौका है वो हमें हासिल हुई थी कि हमने आशा जी के साथ काम किया, आशा जी ने हमारे मतलब सुरों में गाया है उन्होंने, और फिर एक जो रिश्ता है वो मतलब इतना इतना गहरा हो गया कि फिर वो आई हमारे यहाँ कलकत्ते में, हमारे दावत में, और यहाँ के कार्यक्रम भी किया, और फिर बाद में पता चला कि कभी मतलब वो ऐसे गाती नहीं है स्टेज पर, मतलब भरे महफिल में लोगों के सामने एक पियानो या एक गिटार के साथ, मतलब वो गाती है तो पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ, लेकिन उन्होंने किया, दो दो गाने गाए सिर्फ शोरेंद्रो के साथ, ये नयन डरे डरे गाया उन्होंने, ये नयन डरे डरे गाया, और एक रविंद्र संगीत भी गाया, और रविंद्र संगीत से पहले उन्होंने एक श्याम कल्याण की जो आलाप सुनाई, मैं तो हैरान हो गया कि, और फिर मैंने बाद में पूछा कि आपको ये श्याम कल्याण कहाँ से पता चला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो मतलब सीखा था मतलब अपने पिताजी के पास, और फिर मतलब लगता है कि मतलब ये जो कलाकार जो थे और जो है अभी भी, इनकी जो बैकग्राउंड है और जो बेस है वो इंडियन म्यूजिक से इतना भरा हुआ है कि आप जो कह रहे थे कि वो 3 मिनट में वो असर, वो होना ही है।
मतलब वो ऐसे खाली नहीं जा सकता। जैसे मैं आपको बताऊं कि एफ एक हमारा राग है पीलू जी, कई सारे गाने जैसे नथ पे सर बलम मंगवा दे, वो नथ पे सर बलम मंगवा दे, वरना अरे वरना वरना मैं तो से नहीं। अब ये राग पीलू है लेकिन मदन मोहन जी की कॉम्पोजिशन है और आशा जी ने गाया झुमका किरारे बरेली के बाजार में, झुमका किरारे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। बाबनी सारे गरे गा सारे गा मगा सगा गा मामा मरे मेरे मामा रे गा गरे गा गा रे गा गा गरे गरे सारे गा सारे 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 अरे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। ये जो गाना है ये एक्चुअली पीलू में है लेकिन हमें मालूम भी नहीं। अब देखिए ये पीलू में जो है इसे हम कहते हैं ठुमरी। ठुमरी जो है तब के जमाने में आपको आपको मालूम होगा कि ध्रुपद म्यूजिक जो है वो इतने मतलब रिलीजियस थे और वो टेम्पल्स में गाए जाते थे और मंदिरों में, और उसके साथ तो कहीं वो साधारण लोग जो है वो मतलब ध्रुपद के साथ मतलब उनका उतना लगाव नहीं हो। फिर जैसे मुगल मतलब आए और मतलब एक आर्ट और एक दरबार की जो एक माहौल है वो बना, तो तब ख्याल आया और ख्याल में वही राग मतलब जिसमें ध्रुपद गाए जाते थे वो एक लिरिक के साथ लेकिन थोड़ा सा प्योर फॉर्म में तान सरगम देखे। फिर भी अब राजा महाराजाओं के दरबारों में तो मतलब साधारण लोग नहीं जा पाते, तब जो बात बनी वो थी कोठे मतलब जितने सारे कोठे थे हमारे बनारस में और लखनऊ में, तो वहां की जो संगीत है तो ये ठुमरी जो है वो ख्याल से आके थोड़ा सा और लाइटर फॉर्म में मतलब ठुमरी हुआ। यहाँ पे एक साहित्य भी है और लचक भी है, अभिनय है और एक डांस भी है और एक लाइटर ठुमरी भी है जिसे हम दादरा कहते हैं, उसमें थोड़ा सा ढोल है और ये भी है। तो देखिए मतलब ये पीलू की एक मिसाल है, वही गाना नथ पे सर बलम मंगवा दे, नथ पे सर बलम मंगवा दे, वरना मैं तो से नहीं हूं, हरी हरी चूड़िया हाथ में सोए, ओ हरी हरी चूड़िया हाथ में सोए, तापर कचरा नैन मोहे, तापर कचरा नैन मोहे, पायलिया सजन मंगवा दे, झनक झनक सिया डोलू रे, नथ बेसर नथ बेसर। अब ये दादरा से एक मैं ऐसा गाना आपको सुनाऊंगा कि आप कहेंगे कि चलो इसमें भी राग पीलू है, मतलब शायद शायद आपको विश्वास करने में भी थोड़ा सा हिचकिचाहट पूरा लिया है। हरी हरी चूड़िया हाथ में सोए,
जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी मोटी गम बदनी रे 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 अरे जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, बिस्तर पे लेटा दो अरे बिस्तर पे लेटा दो, गद्दे का क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। अब इसके दादा नि सा नि सा dani padani re sare dadani sare ga ma ga sa ga pa ga ma 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 pa 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 ga ma re ga sa re ma re ga re sa are mere angle mein tumhara kya kaam hai। लीजिए ये भी एक दादरा है। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसे कई सारे गाने जैसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली हो, या आजकल के भी कितने सारे पॉपुलर गाने हैं, जैसे वो एक गाना आया था शालमली कोलगड़े जी का, कौन सा गाना था, मेघ मेघ रात की एक मतलब एक कॉम्पोजिशन थी, लिरिक्स उसके उतने अच्छे नहीं थे, वो झंडू बाम वगैरह वो सब था, लेकिन गाना बहुत चला। और गाने की अगर आप रूप को देखें तो वो राग में मेघ की वो गाना था मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरी। अब ये हम जब भी कॉलेज प्रोग्राम्स करते हैं या कॉन्सर्ट्स करते हैं जहाँ पे मतलब थोड़े ये सब गाने सुनने के भी लोग आते हैं, तब हम उन्हें सुनाते हैं कि देखो इन गानों में भी हमारे शास्त्रीय संगीत और हमारे जो फोक म्यूजिक है उसका कितना एक प्रभाव है। और आपको जो ये लचक आ रही है वो हमारे यूपी की खास चीज है, वो ढोलक है, तो यही एक स्पेशलिटी। वी वर वेरी लकी, लाइक व्हेन वी वर इन कॉलेज उसी दौर वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जब हम लोग इंडिया या हमारे म्यूजिक को एक जगह से देखे जो इतना दूर है, जो हमारे कल्चर से परिचित नहीं है, हमारे संगीत से परिचित नहीं है, लेकिन उसका खूबिया मतलब ये राग संगीत या हमारे इंडियन पॉपुलर म्यूजिक को सुनते हुए उसका ब्यूटी वो लोग इतना अच्छा से एनालाइज कर पा रहे हैं या कह रहे हैं कि इसमें इतना एजुकेशन इतना स्पेशलिटी भरा है कि हम लोग इतना कुछ फिलोसॉफी से जान पा रहे हैं। सो वी गॉट वेरी इम्प्रेस्ड एंड वी गॉट एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड कि इसको लेके और भी काम किया जाए, कि हमारे बीच भी कोई कॉन्शियसनेस इंडियन कम्युनिटीज में भी हम लोग फैलाए, ताकि हमें पता चले कि हमारे देश में क्या है, क्या रिसोर्सेस है। और जितेंद्र भाई खास तौर पे आप अगर देखें तो भारतवर्ष की यूनिक जो चीजें हैं, जो भारतवर्ष की ही चीजें हैं और जिससे सारी मतलब ये दुनिया जो है वो मतलब सराहती है इंडिया को, तो वो कुछ खास चीजें हैं। जैसे खाना, आप अगर रसोई देख लें क्यूजीन, गाना आप अगर हमारे शास्त्र देख ले योगा, और हमारी फिलोसफी, तो ये जो चीजें हैं इन चीजों को हमें मतलब बड़ा ही संभल के रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी खास चीजें हैं। और क्योंकि आप शुरू में भी कह रहे थे गुरुदेव मतलब रविंद्रनाथ जी की जो बात है, तो उन्होंने भी यही काम किया है कि हमारे जो उपनिषद है और जो वेद है उनके जितने भी सारे मतलब फिलोसफीज है और प्रिंसिपल्स है उन्हें ही एक सरल भाषा बांग्ला भाषा और फिर उसे अंग्रेजी करके मतलब अपने कविता में उतार दिया और पूरे विश्व को उन्होंने दिया। बहुत ही खूबसूरत बात कह रहे हैं। आपकी परवरिश मतलब तालीम वी बलसारा साहब के साथ भी हुई, इतने बड़े ग्रेट पियानिस्ट, क्लासिकल म्यूजिक को उन्होंने किस तरीके से सिनेमा की चीजें सिनेमा की धुनों को पियानो पर निकाला, ब्रायन सिलास से आने से बहुत पहले वी बलसारा एक बड़ा नाम है, म्यूजिक कंपोजर भी है, कोई कोई अनुभव उनसे सीखी हुई कोई चीज जो आप सुनाना चाहें। जो सबसे मुझे यादगार कुछ चीजें वो क्लासेस से अभी भी मतलब मुझे याद आता है वो है कि उनके वो सरलता, कि वो कैसे मतलब एक वेस्टर्न ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में इंडियन म्यूजिक को उतारे, मतलब शायद ऐसा कोई हो कि कोई मोजार्ट मोजार्ट का पीस बजा रहा हो जैसे,
लेकिन इसके अंदर अगर आप डिकोड करें तो क्या होता है, लेकिन कि ये विशन कि इसमें कैसे हमारे पीलो भी छुपा हुआ है, मतलब ये जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जिसमें से मतलब एक जरिया जिससे आप वर्ल्ड म्यूजिक को इंडियन म्यूजिक के जरिए से देख पाते हैं, इसका जो एनलाइटनमेंट एज ए स्टूडेंट मेरा बीच में डाला, दैट हेल्प मी अ लॉट। इवन पंडित अजय चक्रवर्ती जी जब उसको क्लासेस कराते थे तो हम लोग क्लासेस के बाद डिस्कस करते थे गुरु जी आज क्या सिखाए, मैं तो एज अ वोकल्स में उनके पास जा नहीं पाता था, लेकिन उन्होंने भी जैसा डिकोड करते थे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुरु टू decodes the world to his student, and we are very lucky as human beings to get such very important musical legends who have decoded music to us, not only music but the philosophy behind the music, ki ye ki kya kehna cha raha hai, ek melody kya bol raha hai, and we very consciously also these days want to share this with young audiences, we want to share this with young Indians who should always know about the roots of our country and the beauty of the traditions that we have. So this is kind of a life cycle that we have learned from our gurus that we must transfer to the next generation. अब यतिंद्र भाई ऐसा आपको उदाहरण देंगे कि देखिए अगर ये हम मतलब ना कहें तो शायद मतलब आर डी बर्मन को लेके हम इतने सारे मतलब इतने अच्छे अच्छे कुछ कहते हैं, लेकिन उनकी जीनियस की जो ये खास मिसाल है कि दो ऐसे राग जो आपस में एग्जैक्टली ऑपोजिट है, एक है राग मियां की टोरी जो सुबह गाई जाती है और एक है राग खमाज जिसमें मिलते हैं बस सिर्फ सा और पा और शुद्धनी, इसको छोड़ के मेरे ख्याल से और कोई भी नोट्स कॉमन नहीं है पूरे मतलब ऑक्टेव। इन दोनों रागों को इस जीनियस म्यूजिशियन ने मतलब मिलाया, और कैसे मिलाया, एक गाने में जो फर्स्ट लाइन है वो राग टोरी में है और सेकंड लाइन है जो खमाज में है, और लता जी ने गाया है और ऐसा गाया है कि हमें कभी जर्क लगा ही नहीं, तो वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। राग टोरी ये जो एक कॉम्बिनेशन है इतना अलग है कि दोनों को उन्होंने कैसे मिलाया, सोचा भी कैसे, और इतना अच्छा लगा, खूबसूरत लगा कि फिर हम एक फ्यूजन मतलब कार्यक्रम कर रहे थे मॉयर्स फेस्टिवल में लास्ट ईयर, और वहां पे हमने एक राग जो राग है भोपाली, तो उस राग पे एक कॉम्पोजिशन बनाया, और मतलब ये जो फेस्टिवल था इन्होंने क्या किया कि सारे विश्व से 5-6 कलाकार जो है मतलब डिफरेंट फॉर्म्स के, इन सबको बुलाया
और बुला के एक ही होटल में ठहराया और फिर 3 दिन दिया और कहा कि आप अपने आप से कुछ म्यूजिकल मतलब एक कोलैबोरेशन जो है वो बनाइए और बना के यही प्रेजेंट कीजिए। तो ये बात जो है मतलब हमें भी मतलब बड़ा खास लगा और अच्छा लगा कि मतलब जो एक जैज मतलब म्यूजिशियन है या मतलब जो एक अफ्रीकन मतलब पर्कशनिस्ट है, इन्हें हम जानते भी नहीं या ये भी हमें जानते नहीं है। तो हमने एक स्केल लिया भोपाली और फिर कहा कि इसके मतलब ऊपर आप कुछ कीजिए। लेकिन देखिए आर डी बर्मन ने आके हमें बताया कि पूरा मामला जो है मतलब वो भोपाली का चल रहा था, बीच में 1 मिनट के लिए हमने पूरा बिलास खानी टोड़ी कर दिया जो कि भोपाली की ही नोट्स है लेकिन माइनर नोट्स है। मतलब अगर मेजर में गाया जाए तो भोपाली जैसे सा सा सारेगा सारेगा बदा सा गरे सा गरे सारेगा बदा सा गरे सा मगरे सा भोपाली है लेकिन सारेगा पादा सारेगा गरे गरे सा ये बिलास खानी टोड़ी। तो अचानक से एक जो फ्रेशनेस है वो इतना मतलब आया और फिर हमें लगा कि देखिए फिल्म म्यूजिक वाले जो है इन्होंने हमेशा क्लासिकल म्यूजिक से लिया है, क्लासिकल म्यूजिशियंस से भी ज्यादा राग संगीत से। अब अगर कोई क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्मर ये चीज आर डी बर्मन से ले और अपने परफॉर्मेंस में कोई एक राग के बीच या ठुमरी के बीच 2 मिनट के लिए राग अंतर करके किसी और राग चले जाए और फिर से वापस आ जाए तो ये भी क्या खास चीज होगी। और फिर हम कह पाएंगे कि ये जो दान है या आर डी बर्मन की सोच है जो क्लासिकल म्यूजिक तक आ गई और यही मेल झोल में ही इंडियन म्यूजिक जो है वो मतलब बरकरार रहे। बहुत सुंदर बोल रहे हैं। ये लगता ही नहीं कि ये सेशन खत्म हो, हम क्वेश्चन आंसर में जाएं क्योंकि हमारा समय पूरा हो रहा है। उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप दोनों अपनी फेवरेट एक दो कंपोजिशन उसी लड़ंत में उसी उसी स्पीड में कुछ 2 मिनट और गुनगुना दें। तब तक मैं चाहूंगा कि रंजीत भाई के पास कोई सवाल आए हो तो आपसे पूछें। सुर की नदियां हर दिशा से बहे सागर में, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा मिले सुर मेरा तुम्हारा, सायंदर जिते सायंदर जिते एक बड़ी सायंदर जिते तेरा सुर मेरे सुर मेरा सुर सुर
सुंदर भैरवी से आप सदा भागन राग की तरफ पहुंच गए और मुझे लगता है कि बस सुनते रहो भी भोर होते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि आप लोगों ने इतने प्यार से हमें बहुत पसंद आया कि एक घंटा हमें संगीत करने का मौका मिला। ये सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए। और क्या बात है कि मतलब जितने भी मतलब सारे श्रोताएं हैं और दर्शक हैं उन्हें हम मतलब ये गाना सुनाने का मौका मिला, यही हमारे लिए मतलब एक बहुत बड़ी आपकी बहुत बहुत खूबसूरत तैयारी, बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज है, बहुत बढ़िया। और मैं तो मतलब मेरा ये सौभाग्य है रंजीत जी कि जब लता सुरगाथा रिलीज हुई थी तो सौरेंद्र और सौम्यजीत ने मेरे साथ पूरा म्यूजिकल किया था कलकत्ता बुक फेयर में और मैं जवाब दे रहा था और ये लोग लता जी के गाने, और मुझे आज भी नंद और वो तू जहां जहां चलेगा भूलता नहीं है उसका कभी यूट्यूब पे पड़ा होगा। तो क्या सुंदर वो किताब की लॉन्च इसलिए खूबसूरत बन पाई थी कोलकाता में कि दोनों भाइयों ने मिलकर उसमें बहुत रंग बिखेरे थे। कोई सवाल है तो बताएं जी। बाकी सब लोग तो जो है ये है नितिन भाई, आशीष दुबे साहब है वो पूछ रहे हैं, अभी आपने जिक्र किया था माज खमाज का, तो पूछ रहे हैं ये क्या है, तो अगर आप जरा सा उनको बता दें, दो तीन दफे पूछ चुके हैं वो। खमाज जो है ये एक राग है और एक रागिनी है और खमाज रूप है, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो मध्यम को सा बना के अगर यमन गाया जाए या यमन कल्याण गाया जाए मतलब गाया जाए तो माज खमाज की स्केल जो है वो आ जाती है, लेकिन टेक्निकली हम मतलब किसी राग या रागिनी को देखते नहीं है, उनके मतलब स्वरूप को मतलब वो एक अलग ही होती है। तो मैं मतलब यही अनुरोध कर सकता हूं कि आप अगर माज खमाज जाए YouTube में और सुने, और फिर माज खमाज में इतने सारे गाने हैं, आप मतलब कोई भी क्लासिकल माज खमाज की ठुमरी जो है वो सुने और मन ही मन आप सोचे कि मतलब कितने सारे कॉम्पोजिशंस जो है मतलब जो पॉपुलर म्यूजिक है और जो आपको पता है और मतलब यही मेलेडी में है, तो ये अच्छा होगा। और हमारे यूट्यूब पेज पर भी आए क्योंकि हम भी मतलब अभी प्लान कर रहे हैं कि खमाज में कुछ बनाएंगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा। आपके YouTube पेज पर जाकर यमन का और पहाड़ी का वो पूरा पूरा स्ट्रक्चर सुनना चाहिए कि कितने खूबसूरत ढंग से वो पूरी जर्नी दिखाते हैं आप दोनों भाई। वाह, मुझे लगता है कि सवाल नहीं है लोगों के पास क्योंकि सवाल सर, लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं और बाकी यही मुझे लग रहा है। अब मैं कितनी लोगों की बातें करूं, सभी बहुत खूब सुन रहे थे और किसी का कोई ऐसा सवाल नहीं था, सब दे ऑल आर इम्प्रेस। आई मीन कि अभी उनको क्या क्या कहा जाए, और आपकी खूबसूरत बहुत बहुत प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि सौम्यजीत जी और सौरेंद्र जी भाई आप लोगों ने इतने सुंदर ढंग से जश्न अदब के मंच को गरिमा प्रदान की और आपके आने से इसकी गरिमा और बढ़ी। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोग आए
और आपने जैसी फुर्सत मिली आपने समय दिया, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और रंजीत भाई कुछ कह रहे जी, देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन सर, सुरेंद्र भाई, सुमजीत भाई, रीता बनर्जी जी पूछ रही है यतीन भाई आपसे, कैन यू एंड विद धोनो धाने पुष्पे भाउरा, दिस इज व्हाट शी हैज रिटन ऑल दिस। अच्छा ठीक है, दो लाइन ले जरूर, उसी से हम कार्यक्रम खत्म करें अगर आप सबकी इजाजत हो, और जाते जाते कहेंगे कि आप सारे जो है मतलब सेफ रहे, सिक्योर्ड रहे, क्योंकि अभी वक्त इतना सेंसिटिव चल रहा है, पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है, और इसमें हम सबको जो है वो डट के लड़ाई करनी है, और अपने आप को सिक्योर रखना है और अपने आस पास को भी सिक्योर रखना है, बस बिल्कुल ठीक है। आप दोनों भी सेफ रहें इसी दुआ के साथ, और इसी दुआ के साथ की यतीन भाई ऐसे ही मुस्कुराते रहें, आप दोनों लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहें, गाते रहें, और हमारे इस छोटा सा ये दयार ही है जिसमें इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, शहरयार ने लिखा था बहुत पहले, तो इस अंजुमन को उसमें ये भी है कि दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। और इस रीता जी आपकी फरमाइश पर स्वामीजीत जी, सुरेंद्र जी ये इसी से एंड कर रहे हैं, और इससे पहले कि अब मैं भी नहीं यहीं से एंड होगा क्योंकि ये आखिरी होगी, आप लोग सेफ रहें जैसा आपने कहा, और सुरक्षित रहें, और जश्न अदब को सब्सक्राइब करते रहें जिससे कि आप लोगों को सभी लोग फिर से मुलाकात करने रहे। आप जैसे यतीन भाई ने कहा कि यमन और पहाड़ी सुनना हो और बाकी माछ खमाश सुनना हो तो आपके पेज पर जाएं, सोमजीत और सुरेंद्र के यूट्यूब चैनल पे जाएं, और वहां पर भी आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी आपको दरकार है, दरकार भी नहीं है, आपको तलाश है, तो जरूरत से ज्यादा जो है तलाश की दुनिया है, और तलाश यही है जिसको आप, और मिलेगा आपको वही, द एंटायर कॉस्मोस कॉन्स्पायर्स, तो आप लोग जाइए सुनिए, और उसके बाद जो है आपको वो दुनिया मिलेगी जहां पर ये जोड़ी अपनी दुआ आपके लिए दोनों हाथ उठा करके आपके लिए दुआ कर रही है। यतीन भाई और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, सेफ रहिए, खुश रहिए, मुंबई मेरी जान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए शुक्रिया, और इतनी सुंदर ढंग से अपनी बात रखने के लिए और गाने के लिए शुक्रिया। और अब लेकिन ये इस दो 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 लाइनों के साथ खत्म करेंगे जी, जी वो क्लोज लाइन, क्योंकि उसके बाद फिर टिप्पणी नहीं रह जाती, फिर टिप्पणी नहीं रह बहुत बहुत नमस्कार, कल आपसे मुलाकात होती है शाम 9 बजे, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, तेरी सखी मोरे रे मावा, जिस
मतवाली दिल्ली।